नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के अंदर। ये वैकेंसी है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए। इसके लिए कैंडिडेट को 10+ पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके लिए इसमें कई तरह की पोस्ट हैं, कई वैकेंसी हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जिसके अंतर एज लिमिट 56 साल तक है, यानी 56 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें कई तरह की पोस्ट हैं, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। टोटल पोस्ट हैं इसके अंदर 213 पोस्ट हैं, 213 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी डेट है एप्लीकेशन 25 अगस्त से 21 अक्टूबर 2020 तक आपको इसके लिए अप्लाई करना है। पे स्केल इसका जो ड्राफ्टमैन है ग्रेड वन में आता है, इनके पे स्केल 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये है। सब इंस्पेक्टर्स के लिए इस जो पे स्केल है इसमें, जो कि जूनियर इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये है। हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर है, जनरेटर मैकेनिक है, वायरमैन है, लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, पंप ऑपरेटर, इनका पेमेंट 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक है। इसके अलावा कांस्टेबल हैं जो जनरेटर ऑपरेटर, इनका पे स्केल 21,000 से लेकर के 69,100 रुपये तक है। ये एज पर 7th पे कमीशन है। इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसका जो अपना एप्लीकेशन है वो पोस्टल एड्रेस इस पर भेजना है, और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल स्टाफ डायरेक्टर जनरल BSF ब्लॉक नंबर 4 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, पिन नंबर 11100 3, इस पर भेजना है। इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस का पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद आपका PMT टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, फिर मेरिट बनेगी, उस तब जाके वो सिलेक्शन होगा। तो इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।